हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शिवम तिवारी, जहां पे चल रही हमारी टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 6 कंप्लीट। जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात करने वाले हैं। लास्ट आपका जो सब्जेक्ट है साइकोलॉजी एट वर्क सेकेंड का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, विथ प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करते हुए बातें करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ना लिख के सीधा आपका जो सिलेबस है वहाँ सिलेबस कंप्लीट लिख दिया, ताकि जो भी बच्चे मनन प्रकाशन या फिर विपुल को फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ से कंप्लीट आपका जो इंडेक्स पेज होता है या फिर देखेंगे टॉपिक के स्टार्टिंग में जो लिखा रहता है डिटेल्स, वहाँ से सीधा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा, आप एनालिसिस करना है। प्लस वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कैसे पूछे गए थे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, क्लियर है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टार्ट करते हैं हर एक टॉपिक चैप्टर बेस पर भी, जो आप बोल सकते हो कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा वो आपका ऑब्जेक्टिव्स होगा। ऑब्जेक्टिव्स हर एक यूनिट से आपको पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करना, और ये पहला क्वेश्चन हर एक बच्चा पिक करेगा, क्योंकि यहाँ से आपका इजिली लॉन्ग आंसर में 15 मार्क्स कवर हो जाएगा, प्लस शॉर्ट नोट्स में 5 मार्क्स का बेनिफिट आपको दिखेगा। सिलेबस देखो कुछ इसी पैटर्न में आपको दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 2 और जिसको मैं नाम दे सकता हूँ भाई चैप्टर 1, क्लियर है। तो वहाँ से चीज़ आप समझ रहे भाई, आप अपने टेक्सबुक से मैच कर लेना, यही पैटर्न में दिया है। इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन है, टाइप्स ऑफ ग्रुप है, क्रिएटिंग इफेक्टिव टीम्स है, कॉन्टेक्स्ट है, टीम कंपोजिशन है, टीम प्रोसेस है, मतलब इसके अंडर ये सब पार्ट्स अपने आते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 2 में ए बी सी लॉन्ग आंसर की जब मैं बात करता हूँ भाई, ए बी सी आपको पूछा रहेगा कितने मार्क्स का, 15, और जिसमें से आपको कवर करना है कितने, 2 क्वेश्चन कवर करने हैं, कितने क्वेश्चन कवर करने हैं, 2। प्लस एग्जाम में आपको शॉर्ट नोट्स में भी एक क्वेश्चन बनेगा, कहाँ पे क्वेश्चन नंबर लास्ट बोले तो क्वेश्चन नंबर 6 बनने वाला है, जो कि रहेगा भाई एक शॉर्ट नोट्स, एटलीस्ट एक शॉर्ट नोट्स आपको बनेगा, क्लियर है। कितना, एक शॉर्ट नोट्स बनने वाला है, कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको लॉन्ग आंसर में 15 मार्क्स का बेनिफिट हो जाएगा, शॉर्ट नोट्स में 5 मार्क्स का बेनिफिट आपको हो जाएगा। तो भाई स्टार्ट कहां से करना है, देखो इंपॉर्टेंट की जब बात करेंगे आप सामने देखना, स्क्रीनशॉट लेना होगा ले लेना या फिर नोट कर लेना भाई। इंट्रोडक्शन डेफिनेशन की बात ही कट कर दो आप, इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन वाले पार्ट आपके कैंसिल हो जाएंगे। टाइप्स ऑफ ग्रुप सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, कि कल हो सकता है आपके पेपर में ये क्वेश्चन 99% आने के चांस है, इजिली बन जाएगा, क्लियर है। क्रिएटिंग इफेक्टिव टीम्स के अंदर आप जब क्वेश्चन देखते हो भाई, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 2 में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं भाई, ए बी सी एंड एक शॉर्ट नोट्स में आएगा, मतलब टोटल कितने क्वेश्चन हो गए आपके पास, 4 क्वेश्चन हो गए। तो टोटल मोस्ट आईएमपी में भी 4 है। टाइप्स ऑफ ग्रुप सबसे पहले करना, क्रिएटिंग इफेक्टिव टीम्स के अंदर 3 क्वेश्चन हमारे दिख रहे हैं, आपके सामने दिख रहे हैं यहाँ पे 3 क्वेश्चन, तीनों को सेलेक्ट करना है। बट नंबर 1 देखो इधर, सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस करना है, एंड टीम कंपोजिशन की प्रैक्टिस सेकेंड नंबर पर करना है, थर्ड यहाँ पे है, फोर्थ इधर है। कितने क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, 4 क्वेश्चन रेटिफिकेशन कर लो, 4 क्वेश्चन याद कर लो, 20 मार्क्स आपके क्लियर हो जाएंगे, क्लियर है। आई थिंक आपको सामने दिख रहा है, नोट कर लिया, क्लियर है। इसका प्रीवियस ईयर पेपर पहले देख लो, इसी टाइम एक एक क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर करते रहोगे तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, क्लियर, क्योंकि मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं था भाई, तो जो बच्चे ने शेयर किया था उसका प्लस प्रीवियस ईयर का हेल्प लेके मैंने सिंपल सा प्लान बताया कि भाई 1 से 2 दिन में आप इजिली कैसे लॉन्ग प्लस शॉर्ट नोट्स को लेके एक अच्छा स्कोर कैसे गेन कर पाओगे वो देखना है। तो बात करेंगे पहले प्रीवियस ईयर पेपर में, क्वेश्चन नंबर 2 आपको देखना है भाई, कैसे क्वेश्चंस बने थे और कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में देख लो, क्वेश्चन वही है भाई, टाइप्स ऑफ टीम्स दे के रखा है, टीम कंपोजिशन की दिया है, डिफरेंट टीम्स का दिया, मतलब तीनों क्वेश्चन देखो आप सामने दिख रहे हैं आपको, वहाँ पे लॉन्ग आंसर में दिख रहे हैं। ये जो पेपर है 2019 का पेपर है, कौन सा पेपर है भाई, 19 का पेपर है। तीनों क्वेश्चन आप ध्यान से देख लो भाई, सामने आपके दिख रहे हैं, वहीं से क्वेश्चन बने हैं, शॉर्ट नोट्स में भी एक एटलीस्ट आया होगा, आप लोग देख लेना, क्लियर है। 19 का पेपर हो गया, अब बात करते हैं 22 का पेपर, कौन सा 22 का जो पेपर था वो आप 22 या 3 जो भी हुआ था, आई थिंक 3 का पेपर है, वहाँ पे भी देख लो, टाइप्स ऑफ टीम पहले ही दे के रखा है भाई,
मतलब डिटेल्स वही सब चीजें आपसे पूछी गई, तीन क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे एंड एक क्वेश्चन आपका हमेशा शॉर्ट नोट से बनेगा। तो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन नंबर टू, चार क्वेश्चन प्रॉपर वे में आप अगर करके जाते हो तो भाई 20 मार्क्स हर एक बच्चे का फिक्स हो जाएगा, क्लियर है। वो 20 करने के बाद आपको आना है क्वेश्चन नंबर फोर पे। कहाँ पे आना है भाई? क्वेश्चन नंबर फोर पे आ जाना है। क्वेश्चन नंबर फोर पे जब आप आते हो, इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पे भी कट कर दो, डेफिनेशन यहाँ पे भी कट कर दो। क्वेश्चन नंबर फोर, कितने क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग आंसर की जब मैं बात करता हूँ भाई, ए बी सी, कितने मार्क्स आपको देने वाले हैं? 15 मार्क्स। कितने मार्क्स की बात करेंगे? 15 प्लस यहाँ से भी एक शॉर्ट नोट्स आपको देखने मिलेगा, प्लस तीन क्वेश्चन प्लस एक क्वेश्चन आप ऐड कर दो किसका? शॉर्ट नोट्स का। कितने क्वेश्चन टोटल? चार क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। तो यहाँ सामने भी आपको कितने क्वेश्चन दिख रहे भाई? चार क्वेश्चन बैलेंस आपको दिख रहे भाई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर, क्लियर है। अगर चारों भी पॉसिबल नहीं हो पा रहे आपकी प्रिपरेशन में तो आप तीन कर सकते हो, इन्हीं थ्री इसमें से सेलेक्ट कर सकते हो जो मैंने इंपॉर्टेंट किया है, बराबर है। अगर कोई कैंसिल इन केस अगर करना है भाई तो आप सोर्सेस वाले को लास्ट में रख सकते हो, मतलब इसको, बाकी तीन प्रैक्टिस आपको कर लेनी, क्लियर है। कितने मार्क्स का बेनिफिट? 15 प्लस 5 मार्क्स का बेनिफिट आपको देगा, मीन्स 20 मार्क्स का ये बेनिफिट आपको हो जाएगा। कितने टॉपिक से टॉपिक आपको सामने दिख रहे हैं कि मतलब ये ऐसे चैप्टर्स थे, ये ऐसे क्वेश्चंस थे भाई जिसको आप फिक्स चार क्वेश्चन करके इजिली 20 प्लस 20 मार्क्स का गेन कर सकते हो। 20 मार्क्स क्वेश्चन नंबर फोर वाला एंड क्वेश्चन नंबर टू वाला आपको जो सामने दिख रहा है, क्लियर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सामने देख लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 19 का क्वेश्चन आप देख लो, क्वेश्चन नंबर फोर में, क्वेश्चन नंबर फोर आपको सामने दिख रहा होगा एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स में भी एक क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा 19 के पेपर में। लास्ट की जब बात करते हो आप 23 का जो पेपर है वहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर फोर देख लो एंड आपका शॉर्ट नोट से देख लो। तो 20 प्लस 20 40 मार्क्स का तो एक बता रहे कि भाई उसमें से ही 100% आपका पेपर आने वाला है, क्लियर है। इसके बाद आना है आपको क्वेश्चन नंबर थ्री पे, क्योंकि लास्ट वाले फाइव में ज़्यादा है ना आपका, तो इससे बेस्ट आप थ्री पे आ जाओ। थ्री की जब बात करेंगे, जो मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पे हाईलाइट किया है, इंपॉर्टेंट लास्ट के ये दिख रहे हैं आपके सामने, आप देखो जरा, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये मैं बोलूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, देन निगोशिएशन की प्रैक्टिस करनी है। ये कितना? सेकेंड मोस्ट आईएमपी, मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर टू। एंड दूसरे के अंदर कितने पार्ट्स है हमारे? दो, वन मतलब ए नाम दे सकते हो बी, तो मतलब टोटल कितने क्वेश्चन दे रहे हो आपको भाई? वन टू थ्री, तीन क्वेश्चन दे दिए। ध्यान रखना, इंट्रोडक्शन वैसे भी कट कर दो, डेफिनेशन वैसे भी कट कर दो, क्लियर है कि नहीं भाई? कितने क्वेश्चन आपको दिए? तीन क्वेश्चन दिए आपको। ये क्वेश्चन की जब मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर कौन से आपका सामने देखो, क्वेश्चन नंबर थ्री है, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? ए बी सी, ध्यान रखना ए बी सी। लॉन्ग आंसर में ये तीन अगर आप कवर करते हो तो आपका ऑलरेडी कवर हो जाएगा 15 का लॉन्ग आंसर, ध्यान रखना 15 का लॉन्ग आंसर ये तीन करोगे तो इजिली कवर हो जाएगा, उसमें नो डाउट, कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई लॉन्ग आंसर को लेके। बट हमें यहाँ से एटलीस्ट दो शॉर्ट नोट्स बनने के चांस बनते हैं, यहाँ से कितने शॉर्ट नोट्स बनने के चांस बनेंगे भाई? दो। कितने क्वेश्चन हमारे पास बैलेंस बच रहे हैं जरा आप देखोगे यहाँ पे, तो भाई ए बी सी तीन में से कितना शॉर्ट नोट्स बनने का चांस है? दो, मतलब ये तीन प्लस और ये तीन, छह क्वेश्चन में से आपको एग्जाम में तीन लॉन्ग आंसर में आएगा भाई, दो शॉर्ट नोट्स में बनने के चांस कंप्लीट है भाई। पांच क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है? तीन यहां आपको सामने दिख गए, बैलेंस ये तीन दिख गए, बैलेंस कितने दिख गए? तीन। तो जिससे आपका 15 का लॉन्ग आंसर का बेनिफिट हो जाएगा, 10 मार्क्स के शॉर्ट नोट्स का बेनिफिट हो जाएगा, 10 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स का बेनिफिट होगा, तो टोटल कितने का बेनिफिट? 25 मार्क्स का बेनिफिट। कितने मार्क्स का बेनिफिट? 25 मार्क्स का बेनिफिट। तो जो बच्चे एंडिंग टाइम पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिन्होंने कुछ भी तैयारी नहीं किया, कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया, तो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया क्वेश्चन नंबर टू आप सामने देखो, और इतना ही पहले प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर टू, कितने क्वेश्चन है भाई? एक दो तीन चार, कितने क्वेश्चन दिए? चार। यहाँ पे सामने कितने क्वेश्चन है टोटल? तीन प्लस तीन हो गए छः, तो छः और चार कितना हो गया? दस। और आगे अभी काउंट कर लो जरा, दस, और यहाँ पे कितना क्वेश्चन दिया? चार, कितना हो गया? चौदह क्वेश्चन ये जो दिए हैं, बताए हैं, टॉपिक बता दिए हैं भाई, ये 14 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर आप करते हो तो क्वेश्चन नंबर
टू का 15 का लॉन्ग आंसर प्लस 5 का शॉर्ट नोट्स, मतलब उसी टॉपिक में से एक शॉर्ट नोट्स भी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में 15 का लॉन्ग आंसर प्लस 10 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स एटलीस्ट बनेगा, एटलीस्ट बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 का 15 का लॉन्ग प्लस 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स कम से कम बनेगा। टोटल काउंट करोगे 45 मार्क्स आपके लॉन्ग आंसर कवर हो जाएंगे प्लस 20 मार्क्स आपका शॉर्ट नोट्स कवर हो जाएगा। ये बता रहा हूँ कि 100% यही से पेपर बनेगा आपका। तो टोटल हो गया आपका कितना 65 विदाउट ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को साइड कर दो, 65 आपका क्लियर हो गया। पहले मेरा सजेशन है हर एक बच्चे को भाई ये 14 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना, कितने क्वेश्चन 14 क्वेश्चन। और वैसे भी आप काउंट करोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में कितने क्वेश्चन आएंगे आपको, ए बी सी 3 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी कितने आएंगे भाई, ए बी सी 3 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर और कौन सा दिया आपको, 4 दिया, ए बी सी कितने क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आते हैं। तो 3 + 3 + 3 आपके सामने दिख रहे हैं 9 क्वेश्चन, 5 और जोड़ लोगे तो 14 क्वेश्चन वैसे भी हो गए शॉर्ट नोट्स को लेके, क्योंकि आप देखो कि टोटल कितने मार्क्स का बेनिफिट आपको दिख रहा है, सामने दिख रहा है 65। तो एक लॉन्ग आंसर का पार्ट बचेगा कौन सा, लास्ट 5। ये तीनों कवर होने के बाद, 14 क्वेश्चन कवर होने के बाद ही कोई बच्चा अगले टॉपिक पे जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा, ये मेरा सजेशन है, क्योंकि मोस्टली पेपर आपके वहीं से सेटअप होने के चांसेस हैं। चलिए तो इसके बाद ये इतना कवर होने के बाद ही लास्ट टॉपिक पे आना है, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। और यहाँ पे भी जरा पैटर्न आप समझो कैसा बन सकता है क्वेश्चन आपको। इंट्रोडक्शन पार्ट आप कैंसिल ही कर दो, डेफिनेशन पार्ट आप कैंसिल ही कर दो, टोटल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक में आपको देखने मिलेंगे। कितने क्वेश्चन दिख रहे भाई, 1, 2, 2 और 3 यहाँ पे दिख रहे भाई, 3 + 2 हो गए 5, 5 + 3 हो गए 8, 8 + हो गए 2, 10। क्लियर है, तो इसीलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में रखा है भाई। बट यहाँ पे भी एडवांटेज है कि ये दो में से एक क्वेश्चन 100% आएगा, नो डाउट। तो दो ये प्रैक्टिस कर लो सबसे बेस्ट। इसके बाद बैलेंस बच रहे भाई 3 यहाँ पे बच रहे, 3 यहाँ पे। अब इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, या तो कॉसेस ऑफ स्ट्रेस को सेलेक्ट करो या फिर इफेक्ट को सेलेक्ट कर लो, क्योंकि यहाँ से 3 में से एक क्वेश्चन बनेगा। यहाँ भी वही पैटर्न बोल रहे भाई, 3 में से एक बनने वाला है। तो आप कोई भी एक पिक कर सकते हो, 3 चाहे ये सेलेक्ट कर लो इफेक्ट वाला, या फिर सोर्सेस वाले 3 क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लो, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ भाई। और आपके ऊपर डिपेंड है कि कौन सा टॉपिक आप सेलेक्ट करना चाहते हो। ये कवर कर लोगे तो आपका 15 मार्क्स का जो बैलेंस बचा था भाई लॉन्ग आंसर, वो इजिली कवर हो जाएगा। क्लियर है, आई थिंक क्लियर है। सिलेबस आपको पता है, इम्पॉर्टेंट आप नोट कर लो। और उसके बाद सबसे बेस्ट एडवांटेज आपका क्या भाई, प्रीवियस ईयर पेपर में दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर स्क्रीनशॉट क्लियर नहीं आ रहा होगा नोट कर लेना, उसमें भी टाइम लगेगा। तो इसका पिक जो है वो आप मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे तो मैं शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप इजिली मैच करेंगे भाई, जिससे दो बेनिफिट होगा कि जो इम्पोर्टेंट मैंने दिया वहाँ से कितने क्वेश्चन हमारे मैच हो रहे हैं, सेकेंड चीज वो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, कैसे पूछे जाएंगे, जो ये डाउट सबसे बड़ा था वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो 19 का पेपर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट आप पहले इसका ले लो, प्रॉपर वे में मैच कर लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट बार बार मेंशन करो भाई, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन किस बेस पे कैसा पूछा जाएगा, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका जानना और समझना। चलिए एक और क्वेश्चन पेपर आपका बोर्ड का, ये आप देख लो, क्लियर है आई थिंक, हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे बात करने वाले हैं जो भी आपके बैलेंस रिमेनिंग सब्जेक्ट हैं उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।